सो गाइस, आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा ईजी पे एईपीएस पोर्टल के थ्रू आप किस तरह से यूपीआई आईडी में आप पेमेंट कर सकते हो या फिर मनी ट्रांसफर कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपकी साइबर कैफे का बिजनेस है, अगर आप मनी ट्रांसफर का काम कर सकते हो तो आप बेसिकली फोन पे पेटीएम यूज करते हो, क्योंकि ये फ्री होता है मनी ट्रांसफर एंड जल्दी हो जाता है। बट सो गाइस, आपको ये भी पता है अगर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यूज करके अगर मनी ट्रांसफर करते हो तो पर्सनल यूज के लिए सही है ओके। बट आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरह से मनी ट्रांसफर करते हो क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। सो गाइस, ये जो प्रोसेस बिल्कुल भी इलीगल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मनी ट्रांसफर करने के लिए या फिर खासकर बिजनेस करने के लिए इस तरह से पर्सनल यूपीआई ऐप यूज ना करें, इसलिए बिजनेस आईडी यूज करना चाहिए। सो गाइस, आज इस वीडियो बता दूंगा या लाइव देखा भी दूंगा ईजीपीए इस एपीएस प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरह से आप यूपीआई आईडी में पेमेंट कर सकते हो। सो गाइस, आपको अभी तक ईजीपीए का रिटेलर आईडी नहीं है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप रिटेलर आईडी ले सकते हो, ठीक है। इसलिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका कुछ डिटेल्स मुझे सेंड करना होगा, देन आपको फ्री में ईजी पे में आपका आईडी रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। उसके बाद आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा एंड बीसी बैंकिंग सर्विस को एक्टिव करना होगा। उसके बाद सारी सुविधा को आप ईजी पे में लाइव हो जाएगा एंड ईजी पे के थ्रू आप मनी विड्रॉल करना, मिनी स्टेटमेंट चेक करना, बैलेंस इंक्वायरी करना एंड मनी ट्रांसफर करना, बहुत ही सर्विस आपको बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप अच्छा खासा कमीशन भी कमा सकते हैं। सो फ्रेंड, देख सकते हो मैं ईजी पे जो एप्लीकेशन है इसको मैं लॉग इन कर लिया था, जिसका होम पेज कुछ इस तरह के नज़र में आएगा। तो सबसे पहले बीसी बैंकिंग में जाना है, ठीक है। बीसी बैंकिंग में क्लिक किया था, उसके अंदर बैंकिंग का सेक्शन है, जहाँ के अंदर वो स्क्रॉल कर नीचे आना है, जहाँ पे मिल जाएगा आपको मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर का थर्ड नंबर पे है यूपीआई ट्रांसफर। तो यूपीआई ट्रांसफर क्लिक करने के बाद सबसे पहले देना है यूपीआई एड्रेस, देन उसका नाम देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है। तो यूपीआई एड्रेस वह पेस्ट किया था, जो भी नाम पे यूपीआई एड्रेस है या भी कुछ भी नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो, नाम पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है मोबाइल नंबर, या भी आप कस्टमर का मोबाइल नंबर दे सकते हो, ऐसा नहीं है यूपीआई बार नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पूरा की पूरा डिटेल आपको फिल करना है कुछ इस तरह से, देन आपको करना है प्रोसेस टू सबमिट। उसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट का पिन चाहेगा, जो आप बोल सकते हो एक सिक्योरिटी पिन होता है जो कि ईजी पे द्वारा मिलता है, इस पिन को देकर आपको फाइनल सबमिट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा इस यूपीआई एड्रेस में पेमेंट होने के लिए, इसलिए जितना अमाउंट पेमेंट करना है, मुझे इस एड्रेस में 6,000 रुपीज़ पेमेंट करना है, तो अमाउंट डाल के मुझे सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन में क्लिक किया था। तो जब ट्रांजेक्शन में क्लिक करोगे कुछ सेकेंड के अंदर अंदर यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन सबमिटेड सक्सेसफुली बोलकर एक मैसेज आएगा, मतलब ये पैसा ट्रांसफर हो चुका है उसी यूपीआई एड्रेस में। तो आपको यहाँ पे बैक आ जाना है, बैक आने के बाद होम पेज आ जाएगा, देन अवेलेबल बैलेंस का नीचे जो रिपोर्ट का बटन है, रिपोर्ट का आइकॉन, वहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे दिख जाएगा मुझे 6,000 रुपीज़ अभी डेबिट हुआ था। तो कितना चार्ज मुझे यूपीआई पेमेंट करने में लगा था आप देख सकते हो, बट इतना ही काटता है। ईजी ट्रांसफर से यूपीआई ट्रांसफर में चार्ज कम लगता है। तो इसी प्रकार में जितना भी ट्रांजेक्शन ईजी पे थ्रू करोगी तो आपको रिपोर्ट सेक्शन में दिख जाएगा कितना कमीशन मिला था या कितना चार्ज करा था। उसके बाद 3 लाइन में जाना है, उसके बाद नीचे ऑप्शन है रिपोर्ट, सिंपल रिपोर्ट सेक्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा यूपीआई ट्रांसफर हिस्ट्री, यूपीआई ट्रांसफर हिस्ट्री में क्लिक करना है। तो जो भी यूपीआई ट्रांसफर करोगे उसका हिस्ट्री यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे देखो 6,000 रुपीज कौन सा यूपीआई एड्रेस में सेंड किया था वो भी शो होगा, साथ में मेरा जो नाम से ईजी पे का आईडी है वो आईडी भी शो होता है, साथ में ट्रांजेक्शन आईडी, डेट एंड टाइम सब कुछ शो होगा। या इस पेज को आप शेयर करके या कस्टमर को प्रिंट करके आप दे सकते हो, कुछ इस प्रकार में यूपीआई एड्रेस काम करता है। सो गाइस, ईजी पे जो एप्लीकेशन है बहुत ही तेजी से इसका ग्रो हो रहा है, इसके अंदर बहुत ढेर सारे सर्विस मिल जाएगा जिसका कमीशन भी बहुत ही अच्छा है। लाइक एपीएस मिलेगा, बैंक बीसीबी मिलेगा, मनी ट्रांसफर का सर्विस मिलेगा, पैन कार्ड बना सकते हो, इंस्टेंट पैन कार्ड बना सकते हो, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर सकते हो, इसके अलावा भी क्यूआर या स्कैन पे भी पेमेंट कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको ईजी पे का आईडी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको फ्री में ईजी पे का ऑनबोर्डिंग कर दूंगा,
उसके बाद आपको KYC कंप्लीट करना है एंड BC बैंकिंग को अप्लाई करना है। जब आपका BC बैंकिंग अप्रूव हो जाएगा तो इजी पे के अंदर जितना भी सर्विस है सभी सर्विस को यूज कर सकते हो। तो इजी पे रिलेटेड दो वीडियो इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी नाइस डे।